Hi guys, welcome to TISnet podcast video with Vaibhav Kulkarni and he got selected for Tuljapur campus. Course ka naam hai Sustainable Livelihood and Natural Resources Governance. This is what the course he got selected for. So all the people, those who are targeting for Tuljapur campus, so I think Vaibhav will give the brief idea about the selection part and ye course agar target kar rahe ho, and that will be another add-on for you. So first of all, Vaibhav, congratulations and hello, how are you? Hello sir, I'm fine. How are you? I'm also fine. So after getting Tuljapur campus for TIS, how's the feeling? I mean, as I saw the result, I almost cried after seeing the result. I mean, it was a very emotional moment firstly, because sir, almost last 6 months se hum log iske liye prepare kar rahe the. And luckily sir, lockdown wise we got time. Otherwise, college mein to shayad time nahi milta. And sir, I did this in my TY. So definitely sir, acha to lagta hai. Okay, great. So basically, Vaibhav joined us for the live class. So online, he's our online student. COVID case ka classroom time to online. This session happened basically. And Vaibhav want to understand apart from the lecture, जो अपन lectures करते थे उसके अलावा क्या-क्या और चीज add on की थी आपके preparation को लेकर और daily routine क्या था preparation में? So actually starting में कुछ मतलब जब मैंने preparation start किया somewhat 6 months पहले exam के पहले. तब सर प्रिपरेशन काफी स्लो था. तब मैं सिर्फ करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस कर रहा था. पर सर जैसे जैसे मतलब एग्जाम की डेट्स आती गई वैसे सर आई फेल्ट कि आई नीड मोर मटेरियल. और तभी सर मैंने मेन्योर का जो बुक्स रहते हैं वो ऑर्डर किए थे. टिल दैट टाइम आई फेल्ट कि आई डोंट नीड एनी कोचिंग और समथिंग. बट सर आफ्टर सीइंग द बुक्स एंड आई रियलाइज दैट देर आर मेनी थिंग्स मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट आई नीड समवन हु कैन एक्सप्लेन मी दीज कॉन्सेप्ट्स. So, तब सर मैंने ज्वाइन किया था आपका कोचिंग. सर रियली द वीडियोस लेक्चर्स वर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स स्पेशली द करंट अफेयर्स. बिकॉज सर मेरा टिस्नेट का स्कोर कुछ 50 है और उसमें से 26 मेरा जीके के लिए आया था. तो मेजर शेयर तो मेरा हाँ मेजर शेयर मेरा जीके के लिए था. यस सर. सो अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स व्हाट वाज द डेली रूटीन इन टर्म्स ऑफ द जीके इंग्लिश एंड मैथ्स? सर डेली आई यूज्ड टू एटलीस्ट आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो आपके पास थे. और सर उसके साथ में डेली आई यूज्ड टू रीड करंट अफेयर्स मोस्टली. वो एक सोर्स से नहीं थे वो मैंने दो तीन सोर्सेस से मतलब कलेक्ट करके मैं उनको रीड करता था. मॉक टेस्ट और सर टॉपिक टेस्ट था कि फुल लेंथ? बिकॉज़ एक मॉक टेस्ट डेली लिखोगे तो 25 मिनट का खत्म हो जाएगा. 25 मॉक टेस्ट आते हैं. जी जी सर. सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो डेली एक मॉक टेस्ट? यस मतलब सर जैसे एग्जाम नजदीक आई वैसे स्टार्टिंग में मैंने मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं किया. बट जैसे मैंने जैसे क्लासेस ज्वाइन किया तब मुझे मॉक टेस्ट को एक्सेस मिला और फिर मैंने डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू किया. और सर उसके अलावा सर करंट अफेयर्स के अलावा जो जो भी कॉन्सेप्ट्स थे जैसे इंग्लिश वगैरह उसके लिए मैंने हिंदू न्यूज़पेपर उसके जो एडिटोरियल पेज रहता है वो रोज मैं रीड करता था. रीड के साथ उसके साथ कैसा होता था मेरा मतलब स्पीकिंग भी थोड़ा इम्प्रूव होने लगा. माय वॉइस वाज स्लाइटली लो दैट टाइम बट रोज डेली लाउडली मिरर के सामने रीड कर करके माय वॉइस बिकेम वेरी हार्ड इनफ. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अलोंग विद दैट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स के जैसे कुछ डीआई वगैरह के तो उसके लिए मैंने मतलब जो रोज दिन में हमारे जो बुक्स थे उसमें से डेली मैं टारगेट करता था कि रोज 5 पेजेस जो 5 पेजेस पूरे सम्स के भरे हुए होते थे वो मैं सॉल्व करूंगा. जो जो सम्स नहीं आ रहे थे उनको मार्क करता था और जो भी मेंटर्स थे मेरे उनको यूजुअली मैं उनसे शेयर करता था उनकी उस पे जो है वो एक्सप्लेन करता था. ओके कमिंग टू द मॉक टेस्ट ओनली सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बिकॉज़ लास्ट ईयर वी हैड लॉन्च 25 मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट लिखने के बाद और जब रियल एग्जाम लिखने में गए तो फीलिंग क्या थी? कॉन्फिडेंट लेवल क्या था एंड व्हाट यू हैव डन बेसिकली आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट? या सर सर एक्चुअली मॉक टेस्ट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. एक्चुअली कैसे हुआ कि जैसा मॉक टेस्ट का पूरा पैटर्न था सेम टू सेम एग्जाम का भी वही पैटर्न था. मतलब पूरी उसी तरीके से हमने एग्जाम लिखी तो सर हम लोग ज्यादा फेमिलियर हो गए थे उस चीज से. अगर अचानक एग्जाम लिखने अचानक एग्जाम के लिए चले जाते और वहां पे अगर ऐसा देखते तो शायद हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था. पर ऑलरेडी हमने इतनी मार्क्स दिए थे तो पूरा प्रैक्टिस हो गया था. अलॉन्ग विद दैट हमारे ही ग्रुप में मेन्योर के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिसने जिन्होंने क्लियर किया था उन्हीं हम स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाया था. एक्चुअली उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के मार्क्स लेते थे. मतलब हम ही पैनल बन जाते थे और दूसरे स्टूडेंट का मॉक लेते थे. और ये हमने बहुत बार किया मतलब एक दो बार नहीं किया मॉक इंटरव्यू हमने बहुत बार किए थे. तो इससे क्या हुआ हमको कैमरा वगैरह ये सब जो होता है इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया. पहले मोस्टली क्या होता था कोई भी जूम मीटिंग होती थी हम लोग कैमराज ऑफ करते थे. लेकिन एक्चुअल जब इंटरव्यू होता है तब हमको कैमरा ऑन रखना पड़ता है और बहुत लोग उस पर शाय होते हैं.
तो हम जो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आया ये मॉक इंटरव्यूज ले लेते, एक दूसरे से भी काफी सीखने के लिए मिला हमको ये करते करते। तो सर ये एक ग्रुप वर्क जो था ये काफी काम आया हमारे, हमारे एक स्टूडेंट था अविनाश करके, अनफॉर्चुनेटली सर वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम बाकी के जो 8 स्टूडेंट है वो सारे सिलेक्ट, एक स्टूडेंट है वो एपीयू में सिलेक्ट हो गया, अजीम प्रेम जी में, उस वो टेस्टनेट में नहीं हुआ पर वो अजीम प्रेम जी में सिलेक्ट हो गया। अच्छा ये मतलब ये वाली आई थिंक 7 या 8 बैच यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उस बैच में से फॉर टेस्टनेट या 10 बैचेस थे, तो आपके बैच में से 8-10 लोग एज यू मेंशन कि आपकी वाली बैच में से 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, फिर वो लोगों ने ग्रुप बना करके एंड मॉक प्रैक्टिस चालू की। ये भी एक अच्छा एड ऑन है प्रिपरेशन को लेकर। ओके सो आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट सारी चीजें समझ में आ गई कि पैटर्न क्या है एंड इंटरफेस कैसा है, टॉगलिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑल। सो व्हाट यू थिंक जो रियल एग्जाम लिखा था उसमें क्या क्या मिस्टेक्स जो आपने मॉक में की थी वो वहां पे नहीं की? सर पहले तो मॉक में बहुत बार ऐसे होता था कि हम लोग टाइम पे इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हम लोग मोस्टली घर पे बैठे होते थे, तो तब इतना टाइम का प्रेशर नहीं आता था, पर जब एक्चुअल एग्जाम लिखने गए तो तब थोड़ा सा टाइम का प्रेशर आया था कि फटाफट टाइम जा रहा था और हमारे पास मतलब आंसर्स बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे तभी। लेकिन ये जो था ये हम लोगों ने मतलब हैबिचुअल हो गया था हमारे लिए कि विद इन 1 आवर आई गेस 20 मिनट्स और 40 मिनट्स या विद इन 1 आवर 40 मिनट्स हम लोगों को पूरा करना ही है, 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना ही है, तो हम लोग हमारा यूजुअली उसके पहले हो जाता था। तो एग्जाम के दिन भी मेरा थोड़ा मतलब 5 मिनट्स अर्ली हो गया था पेपर, तो सर वो एक बेनिफिट था। So, as you mentioned regarding the एक डर रहता है जो फियर होता है जो रियल एग्जाम में, वो इसलिए है क्योंकि आई थिंक दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीवन, व्हेन यू आर राइटिंग अ मॉक टेस्ट टेक इट एज अ कि आपका ये टेस्टनेट का रियल एग्जाम है, सो उतने डर से उतने फियर से उतने एग्रेसिव से आप मॉक लिखो तो रियल एग्जाम में ये वाली फीलिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन हू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड कमिंग टू लास्ट पार्ट व्हिच इज नथिंग बट द इंटरव्यू, you must have your this PI mock interview at Mahindra, right? Yes, sir. So, वो जो mock interview दिया था और आपने जो real test का जो interview था आपका, उसमें क्या-क्या difference थे और क्या benefit था वो interview आपके लिए? सर जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा एक Mahindra की तरफ से भी एक interview हुआ था, I guess Prachi ma'am ने हमारा interview किया था, और उसके बाद हमने आपस में भी students ने एक दूसरे के बहुत ज्यादा mock interviews लिए। तो सर इससे क्या हुआ कि एक तो कॉन्फिडेंस आया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सर फिर भी थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है एक्चुअल इंटरव्यू के दिन, कितना भी प्रैक्टिस कर ले। हाँ सर, और सर लेकिन आई फेल्ट एक्चुअली आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू आई फेल्ट के मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और वो लोग मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पे एकदम ऐसे ऐसे लुक था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मेरे आंसर्स उनको अच्छे लग रहे हैं या क्या, पर फॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए मुझे। और सर ये जो था मतलब मोस्टली इंटरव्यू के लिए मेरे आंसर्स में अच्छे से फ्रेम कर पाया क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स ने या जो हमारी मैम थी प्राची मैम उन्होंने भी काफी आंसर्स मुझे फ्रेम करने में हेल्प की, और इसकी वजह से क्या हुआ मेरे जो आंसर्स थे वो टू द पॉइंट थे इंटरव्यू के टाइम पे, और जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे जैसे मुझे उन्होंने मैंग्रोव्स के ऊपर और आरे मुंबई में जो आरे कटिंग हुआ था मतलब फॉरेस्ट कटिंग हुआ था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने जो भी था वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे पाया मैं कभी। अदरवाइज मतलब पहले मुझे आदत थी कि मैं पूरा घुमाता था आंसर, मतलब पॉइंट पे सीधा नहीं आता था, तो सर ये इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई। और दूसरा सर आई कॉन्टैक्ट वगैरह ये जो होता है ये पहले मेरे अंदर इतना नहीं था, लेकिन इंटरव्यूज देके प्रैक्टिस करके अब दैट हैज दिस थिंग हैज इंप्रूव्ड। डू यू रिमेंबर व्हाट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड इन देयर इंटरव्यू रियली जो अपॉइंट? एक्चुअली उन्होंने मेरे जो मतलब मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग मुझे कोर्स के रिगार्डिंग ज्यादा पूछेंगे, मतलब जो मेरा कोर्स है SLNG उसके रिगार्डिंग पूछेंगे, पर उन्होंने उसके रिगार्डिंग बहुत कम क्वेश्चन किए थे। मेरा जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उसके रिगार्डिंग उन्होंने ज्यादा पूछा, जैसे मैंने कॉमर्स किया तो मुझे GST के बारे में पूछा, जो फाइनेंस बिल था उसके बारे में पूछा, और बाद में उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस किए, थोड़े से लॉज एनवायरमेंटल जो लॉज होते हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस किए सर। तो मोस्टली ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर व्हाई इट इज या व्हाई दिस कोर्स, ये हम लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छे आंसर्स प्रिपेयर किए थे, पर ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे ही नहीं, उन्होंने एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे, और उस टाइम पे जो हम लोग बोलते हैं ना हमारा बोल बच्चन वो ही काम आया उस समय। Okay, Vaibhav, if you want to give any kind of a tips to upcoming year aspirants, so what tips you want to give them? Sir, first tip I would like to give is ki don't rely on one source like for any kind of information. आप अलग अलग sources को मतलब refer करिए, मतलब जैसे अभी Mahindra का भी current affairs था बहुत काम आया, उसके साथ में सर
एक था कि आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू मुझे डर था कि अभी मैं तो सिलेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं गया था। तो तब मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने कई और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और उनके रिजल्ट आ रहे थे और वो सिलेक्ट भी हो गए थे कुछ उनमें से। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक साथ में दो या तीन यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना चाहिए था, मैं सिर्फ इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट था। तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा ईयर फिर वेस्ट हो जाता है। अगर समझो सिलेक्ट नहीं होते तो पूरा ईयर वेस्ट हो जाता है। तो आप एक टाइम जब आप एक एग्जाम दे रहे हो, तो क्योंकि उनका प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट सेम, बहुत जगह पे सेम रहता है एग्जाम के लिए, तो आप उस एक टाइम पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, जैसे DU, जामिया या जो भी आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो सिर्फ एक पे डिपेंड ना रहे, कई जगह पे आप ट्राई करें। जैसे कि एमबीए के लिए करते हैं ना, कैट लिख लिया तो कैट के साथ सीमैट, सीटी, स्नैप एंड मैट चार पांच एग्जाम्स लिख दिए, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा अगर प्रिपरेशन अच्छे से की है तो। ओके, दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम वैभव, एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट फ्रॉम वैभव। ही शेयर्ड ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड गिवन द टिप्स ऑल्सो। सो हियर वी से बाय बाय टू वैभव, एंड विल कीप ऑन कमिंग अप विद रिगार्ड्स टू मिनी पॉडकास्ट with regards to TISTNET exam. So TISTNET को लेके और बहुत सारे podcast कर रहे हैं, बहुत सारे selections हुए हैं अलग अलग course को लेके। So be connected with the channel. Bye bye. Sat Sri Akal. Bye sir.